नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है सियासी भूचाल मचा हुआ है, इस कड़ी में तमाम नेताओं के बयान भी सुर्खियों में बन रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है, गाजीपुर लोकसभा सीट, वहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सांसद हैं अभी अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को लेकर 400 आंकड़े वाले जो पार का आंकड़ा लगातार बताया जा रहा है उस पर लेकर उन्होंने निशाना साधा है, जिनका बयान सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल आपको पता होगा कि 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 7 चरण में मतदान होने वाला है, दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इस कड़ी में अफजाल अंसारी से जब उनके फाटक स्थित आवास पर इन सारे चीजों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भले ही 400 आंकड़े पार का नारा दे रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 150 के आंकड़ा को भी पार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होने वाला है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और गुजरात हो, यहाँ पर भी भारी लॉस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश से आधी से भी ज्यादा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जनता जो वोटर्स हैं वो चुपचाप अपने काम को कर रहे हैं, यानी कि जो मतदान है वो अपने काम को चुपचाप करते नजर आ रहे हैं, और जो 10 साल की रियलिटी है, जो 10 साल में झूठे वादे किए गए, जुमले फेंके गए, उसको जनता बखूबी देख रही है और वो चुपचाप जो है वो मतदान केंद्र में जाकर जवाब दे रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो स्वैग है, उनका जो पहले स्वैग होता था कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, वो भी अब खत्म होते नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहले जाते थे तो लोग ढोल नगाड़े के साथ, खुद से इच्छा शक्ति के साथ जो है वो थिरकते ठुमकते नजर आते थे, लेकिन अब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार में ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता निराश है, हताश है और जनता को समझ आ चुका है कि ये जुमले वाली पार्टी है और इस तरीके की ही ये सारी चीजें जो है वो बोलती रहती है। बाकी जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दिया है 400 पार मोदी सरकार को लेकर, उस पर आप अपनी राय बताइए और आपको क्या लगता है इस बार 400 के पार हो पाएगा, इस पर भी बताइए। धन्यवाद।